तो भाई वैसे तो इंडिया ने कुछ वक्त पहले T20 वर्ल्ड कप का अवार्ड तो जीत ही लिया था, लेकिन कल के दिन सीएट की तरफ से एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करा गया जहां पे काफी बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। जय शाह थे, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, मैथ्यू हेडन, सॉल्ट, दीप्ति, हरमनप्रीत जैसे कई यहां पे प्लेयर्स पहुंचे हुए थे। सेलिब्रिटीज बड़े बड़े आए थे। केएल राहुल के ससुर जी सुनील शेट्टी ने भी इस अवार्ड शो में शिरकत करी। मैं बताना चाहूंगा कि इस अवार्ड शो में रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही साथ विराट कोहली को सीएट बेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। रोहित शर्मा तो इस अवार्ड शो में आए थे, उन्होंने खुद अवार्ड कलेक्ट करा, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं जब विराट कोहली का क्रिकेटिंग सीजन नहीं चल रहा होता है तो वो इंडिया में रहते तो है नहीं, वो चले जाते हैं लंदन, तो फिर अवार्ड शो में कहां से आते। इसके अलावा इसी अवार्ड शो में श्रेयस अय्यर को भी एक अवार्ड मिला। पता नहीं भाई किस चीज का अवार्ड दिया, शायद आईपीएल जीते हैं उसके लिए दे दिया हो क्योंकि केकेआर के कैप्टन थे, वरना असल में तो अय्यर को फिलहाल बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अवार्ड का क्या करेंगे। हां मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। खैर जहां हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, तो भाई कल के दिन एक बहुत ही सुंदर तस्वीर हमें देखने को मिली। जय शाह और रोहित शर्मा कल के दिन पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ, जहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी करी कि हे गणपति बप्पा, जैसे ये T20 वर्ल्ड कप जिताया है ऐसे ही कुछ वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, WTC का फाइनल आना है, उसके बाद एक और आना है ODI वर्ल्ड कप, बीच में T20 वर्ल्ड कप पड़ेगा, तो गणपति बप्पा ऐसे ही सबको जिता दो, कसम से मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन एक बहुत ही एक्साइटिंग रिपोर्ट सामने आती है जिसके अनुसार हार्दिक पांड्या का जो इंस्टा अकाउंट है वो साल 2024 के फर्स्ट हाफ में मोस्ट एंगेज्ड अकाउंट था किसी भी एशियन एथलीट के लिए विद 137.2 मिलियन एंगेजमेंट। मतलब भाई ना कोहली को इतनी एंगेजमेंट मिली है साल 2024 के फर्स्ट हाफ में इंस्टाग्राम पे, ना धोनी को मिली, ना रोहित शर्मा को मिली। भाई पूरे एशिया में जिस एथलीट के इंस्टा अकाउंट पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट देखने को मिली है साल 2024 के फर्स्ट हाफ में वो हार्दिक पांड्या हैं। अब देखो इतनी एंगेजमेंट हार्दिक पांड्या के अकाउंट में क्यों देखने को मिली ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब साल 2024 शुरू हुआ उसके आसपास ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि साल 2024 की आईपीएल में हार्दिक पांड्या मुंबई के कैप्टन होंगे, तो सब जाके गालियों की बरसात कर रहे थे हार्दिक पांड्या के अकाउंट पे, तो थोड़ी एंगेजमेंट ऐसी हो गई होगी। फिर आईपीएल आई तो भाई इतना बवाल हो रहा था आईपीएल में, थोड़ी और एंगेजमेंट आ गई होगी। उसके बाद ये हार्दिक और नताशा वाला मसला हो गया था, थोड़ी एंगेजमेंट वहां से आ गई होगी। और कैसे भूल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस देके बल्ले और बॉल से इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया था, तो बहुत सारी एंगेजमेंट उनके इंस्टा अकाउंट पे उस चीज के लिए भी आई होगी। और उसके बाद भाई अचानक से गौती भाई ने उनसे कप्तानी भी छीन ली थी, वाइस कैप्टेंसी भी छीन ली थी, तब भी अच्छी खासी एंगेजमेंट देखने को मिल गई होगी। मतलब आसान भाषा में हार्दिक पांड्या के लिए जो साल रहा है भाई ऐसा चल रहा है, ऐसा ज्यादातर ऐसा ही रहा है, बीच बीच में ऐसा भी हुआ लेकिन फिलहाल भी शायद ऐसा ही चल रहा है। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़े तो भाई कल के दिन इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइकल वॉगन ने टेलीग्राफ से बात करते हुए आईसीसी को एक सुझाव दिया है कि अब से ODI की बायलेटरल सीरीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहा है ODI की बायलेटरल सीरीज देखने में। अगर आपको बायलेटरल सीरीज करानी है तो T20 कराएं या फिर टेस्ट की कराएं। और बात देखो सही भी है, इस समय सबसे ज्यादा बोरिंग ना ODI की बायलेटरल सीरीज देखने को मिलती है। बस दुख इस बात का है कि अगर ODI की बायलेटरल सीरीज बंद हो गई तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली बस हमें टेस्ट में देखने को मिलेंगे या फिर ODI की कोई बहुत बड़ी टूर्नामेंट होगी तभी देखने को मिलेंगे। सारे रिकॉर्ड भाई रोहित और विराट कोहली के जो ODI के बन सकते हैं आने वाले भविष्य में सब धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे आप लोग का इस सुझाव पे क्या कहना है, मैं बहुत हद तक एग्री भी करता हूं, आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन सूर्य कुमार यादव ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर करी जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सूर्या हैं वो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देख रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि भाई कमाल की मूवी है, मजा आ रहा है देखने में। वैसे सच सच बताना तुम लोगों को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी कैसी लगी थी, हर किसी के जवाब का इंतजार मैं कमेंट सेक्शन में करूंगा। अब बात करें आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर की, तो भाई जैसा मैंने तुमको कल की वीडियो में बताया था कि भाई कल के दिन शुरू होनी थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज, और जैसे ही इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई पहली इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग आई तो भाई बाबर आजम की उनकी इनिंग के दौरान जब बैटिंग आई तो बाबर आजम ने पूरी अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई और भाई साहब आते ही दो बॉल पे पूरे 0 रन बना के पवेलियन लौट गए। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम।
वैसे भाई तुमको यहाँ पे कमाल की बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है ना, ये इंडिया में कहीं भी टेलीकास्ट नहीं हो रही है भाई। किसी ने भी इनके राइट्स लेने से मना कर दिया, हर ब्रॉडकास्टर ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि भाई पहले तो ये दो भाईया टीमें हैं, इनका मैच क्या ही दिखाना, और दिखा भी दिया तो देखेगा कौन इनका मैच। तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू। वैसे मैं बता दूं कि ये मैच शुरू होने से पहले शाहीन अफरीदी ने स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में विराट कोहली की वो जो 82 रन की पारी थी ना, जहां भाई हारिस रॉफ को वो छक्का मारा था, जहां भाई पाकिस्तान के मुंह में हाथ डाल के जीत छीन ली थी, तो शाहीन अफरीदी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में विराट कोहली की उस 82 रन की पारी से ज्यादा बेहतरीन पारी आज तक नहीं देखी। जहां विराट कोहली की बात आई गई है, तो भाई यहां पे मैं एक बात बताने से तो बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि कल के दिन पीयूष चावला ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक इंटरव्यू दिया, जहां उनसे विराट कोहली के बारे में सवाल पूछे गए कि अमित मिश्रा ने हाल ही में विराट कोहली के ऊपर कुछ टिप्पणी करी थी कि विराट कोहली समय के साथ बदल गए हैं, अब विराट कोहली वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो हुआ करते थे। तो इसी बारे में जब सेम सवाल पीयूष चावला से पूछा गया, तो पीयूष चावला कहते हैं कि बाकियों का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन विराट कोहली मेरे साथ आज भी वैसे ही हैं जैसे वो 10-15 साल पहले हुआ करते थे। मेरा एक्सपीरियंस विराट कोहली के साथ हमेशा बेहतरीन रहा है। हाल ही में एक सीरीज के दौरान जब मैं कमेंट्री कर रहा था और विराट कोहली फील्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो मुझको काफी दूर से देख के ये चिल्ला रहे थे कि पीयूष भाई क्या सोचा है, आज शाम को ऑर्डर करके क्या खाना है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो पीयूष चावला ने जिस इंटरव्यू में ये बात कही है, मैंने उस बात की क्लिप आपके लिए सेव करके रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल क्लिपबाजी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करके मिल जाएगा, टॉप पे पिन करके रखी है तुम्हारे लिए वीडियो, जाओ जल्दी जाके चेकआउट कर लो। कसम से भाई, एक बार जब तुम खुद पीयूष चावला की बात पीयूष चावला के मुंह से सुनोगे ना, तुम भी कहोगे इस साल समझ में नहीं आ रहा है कि पीयूष चावला सच बोल रहे हैं या अमित मिश्रा सच बोल रहे थे। वैसे जाके एक बार वीडियो जरूर देखना, और साथ ही साथ जा रहे हो तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के भाई बचा बचा के वहां पे सेव करके लाता हूं। तो कम से कम थोड़ा सपोर्ट करो, जाके भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो कर लो, और उसके बाद जब ये देख लो ना वीडियो, जब पीयूष चावला की बात सुन लो, तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पे कमेंट सेक्शन में एक बार आके जरूर बता देना। बाकी भाई अब मैं तुमको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे देता हूं, और वो खुशखबरी ये है जो मैंने कहीं ना कहीं तुमको कल की वीडियो में भी दे दी थी कि लगभग ये कंफर्म है कि जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बनेंगे। पर भाई कल के दिन ये जो लगभग था ना, ये लगभग हट गया, पूरे तरीके से आप मान लीजिए कंफर्म हो चुका है कि जय शाह ही आईसीसी के नए चेयरमैन बनेंगे। कल के दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट करा है कि जय शाह को ही आईसीसी का नया चेयरमैन बनाना चाहिए, तो आने वाले 3 साल के लिए जय शाह होंगे आईसीसी के नए चेयरमैन। भैया ये आसान है, आसान है, आसान है। वैसे यहाँ पे एक बात बताओ, अगर आज की तारीख में मैं तुमको आईसीसी का नया चेयरमैन घोषित कर दूं, तो एक चीज अगर तुम क्रिकेट में चेंज करना चाहोगे, तो आखिर वो कौन सी चीज होगी? जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी देख रहा है भाई, इस सवाल का जवाब भाई हर कोई कमेंट सेक्शन में देना, और एक बार जाके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे वो जो पीयूष चावला का इंटरव्यू है ना, पूरा इंटरव्यू नहीं डाला है, वो 1.5-2 मिनट की क्लिप है, जहां पे विराट कोहली के बारे में सवाल पूछा जा रहा है और वो जवाब दे रहे हैं, वो एक बार जाके देखना, कसम से मजा ना आया ना। तो भाई पैसा पास तो जल्दी जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीयूष चावला की वो क्लिप देख लो, उसके बाद अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में दे दो। और जो सवाल मैंने पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और भी पूछे हैं वीडियो में, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ना कि अगर तुम बन जाओ आईसीसी के नए चेयरमैन, तो एक चीज अगर तुमको क्रिकेट में चेंज करनी होगी, चाहे किसी फॉर्मेट में या कहीं पे भी कोई भी चीज तुमको चेंज करनी होगी, वो एक चीज कौन सी होगी कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।